Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum. आज का रैंडम रिमाइंडर सूरह अन-निसा में से आयत नंबर 78, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अयनमा तकूनु युद्रिककुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदतिन। लास्ट वीक एक Q&A, एक रैंडम Q&A मैंने अपलोड किया था, वो था डेथ एंग्जाइटी से रिलेटेड, और उसमें सिर्फ जर्नल एक बातचीत थी। मैंने सोचा इसको थोड़ा सा कुरान की आयतों के साथ भी हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लें, एक रिमाइंडर ले लें वहाँ से। सूरह अन-निसा में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे मिलते जुलते मैसेजेस आपको कुरान में जगह जगह नज़र आएंगे, लेकिन जो हमने उसमें उसकी वजह में बात की वो प्रिटी मच इन आयतों का निचोड़ थी। तो इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं, जहाँ भी तुम होगे ना, मौत तुम तक पहुँच जाएगी। इवन इफ वो लव कलमा हसर होता है, मतलब कि इवन इफ, मतलब जो ये तुमने अगर मैक्सिमम भी कर लिया ना, वो लव कुन तुम फी बुरूज मुशय्यदतिन, इवन इफ तुम अपने आप को किसी ऊंचे बड़े किले के अंदर, टावर के अंदर बंद कर लो। बुरूज मुशय्यदतिन की जो इमेज है, इसका मतलब है ऐसे लॉफ्टी टावर्स जिसके अंदर स्ट्रेंथ भी है, वो ऊंचे भी हैं, वो ज़मीन से थोड़े से कट ऑफ भी हैं, एक्सेसिबल भी नहीं है। मतलब अल्लाह ताला इंसान को कह रहे हैं कि तुम कहीं पे भी होगे ना, जिस दिन डेथ फिक्स है वो पहुंच जाएगी तुम तक। तो बेसिकली जो प्रेमिस था कि डेथ एंग्जाइटी का, हम सुन ही रहे होते हैं आए दिन, हम कोविड की वजह से इस चीज़ में और ज़्यादा तेज़ी आ गई है। तो एंग्शियस होना अच्छी बात है, लेकिन इतना एंग्शियस हो जाना कि हर चीज़ सर पे सवार कर ली और फिर हाथ पांव फूल कर अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, या आपको अब रात में नींद नहीं आ रही, तो ये शायद हेल्दी नहीं है। एक दूसरी एक्सट्रीम ये होती है कि इंसान मौत को भूला हुआ है और वो अन्य वाह जो उसका दिल चाहता वो कर रहा है, जितने वो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर सकता है वो कर रहा है, जितने वो लोगों को तकलीफ दे सकता है वो दे रहा है, जितने लोगों के हक मार सकता है मार रहा है, जितनी करप्शन कर सकता है कर रहा है। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं, एक इंसान जिसको मौत का एहसास ही नहीं है, और एक इंसान जिसको मौत का इतना एहसास है कि अब उससे कुछ काम ही नहीं हो रहा। तो हम जो बात करते हैं रिमाइंडर्स पे, कुरान जितना आप पढ़ेंगे ना, उतनी जो हमारी अप्रोच है ना ज़िंदगी को देखने की, उतनी बैलेंस्ड हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। अल्लाह ताला को पता है कि किस इंसान को कितना डराया जा सकता है और कितना इंसान को उम्मीद दिलाई जा सकती है। और सूरह सजदा में अल्लाह ताला ने तो ईमान वालों की निशानी बताई कि वो खौफ और उम्मीद के दरमियान होते हैं, उनकी मेंटल स्टेट ऐसी होती है कि वो इतनी बैलेंस पर्सनैलिटी हो जाती है। तो आइडिया ये है, कुरान पढ़ें, कुरान से जुड़ें, समझ के पढ़ें, उसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी, उसमें जितना खौफ ज़रूरी है बचने के लिए बुराइयों से, अल्लाह ताला की नाफरमानी से, वो भी आ जाएगा, और जितनी उम्मीद अल्लाह ताला देंगे ना, दैट इज़ सो अमेजिंग, वो आपको इतने बैलेंस्ड ग्राउंड पे ले आएगी ना कि फिर आप कहेंगे यार मैं बस अपना अमल अच्छा करने की पूरी कोशिश करूँगी और अल्लाह ताला विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। जो हमने तकदीर पर बात की थी रमज़ान में, तो उसमें मौत के टॉपिक पर हमने जर्नली इसको टच नहीं किया था, लेकिन अगर हम इसको क्विकली बात कर लें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि तकदीर में तुम्हारी तकदीर के अंदर दो ऑप्शन हैं, उस हदीस का मफहूम ये है कि तुम्हारी तकदीर में तुम्हारी उम्र बढ़ भी सकती है। मतलब उसकी एग्जांपल क्या है कि अगर तुम अच्छे अमाल करो, तुम चैरिटी देने वाले बनो, तुम बिर का वर्ड आया है कि अगर तुम रिश्तों को निभाओ, जो खूनी रिश्ते हैं ना, तुम उनसे क़ता ताल्लुक ही ना करो, उनको निभाओ, अच्छे से कोशिश करो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र बढ़ा सकता है। और वो उम्र का बढ़ना भी, वो भी तकदीर का हिस्सा है, उम्र का कम होना वो भी तकदीर का हिस्सा है। यानी अगर एक इंसान, जैसे मैं अगर अपने आपको एग्जांपल दूं, मुझे नहीं मालूम मेरी उम्र अल्लाह ताला ने क्या रखी हुई है, लेकिन फ़र्ज़ करें अल्लाह ताला ने मेरी तकदीर में दो ऑप्शंस लिखे हुए कि अगर मैं अपने ताल्लुकात को अच्छे से निभाऊँगा तो मेरी उम्र 70 बरस होगी, और मैं अगर क़ता ताल्लुक ही करूँगा तो मेरी उम्र 60 बरस होगी। अब बेस्ट पार्ट वही होता तकदीर का कि मुझे तो पता ही नहीं है कि 60 है 70 है, मुझे नहीं मालूम। तो 100 बातों की एक बात यह है कि अल्लाह पे ट्रस्ट करके अच्छे अमाल करने शुरू कर दें।
कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। सही है, इस सवाल का जवाब मुझे कभी भी नहीं मिलेगा इस दुनिया के अंदर कि मेरी एक्चुअल उम्र तकदीर में अल्लाह ने क्या लिखी हुई थी, लेकिन मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन है और मुझे गैब पर यकीन है, मुझे अल्लाह ताला पर यकीन है। तो हम जब सूरह अल बकरा पढ़ते हैं उसमें शुरू में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो किताब है कुरान ये किन को हिदायत देगा, अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैबी, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। सही, तो कहने का क्या मकसद है, अपने अमल अच्छे करने की कोशिश करते जाएं और मौत को सर पे मत सवार करें, इतना ना सवार करें कि आपसे अब कुछ अमल ही ना हो रहा, हाथ पांव फूल गए। सही है, तो उसने जिस दिन आनी है वो आई जाएगी, उसको मैं और आप रोक नहीं पाएंगे जिस दिन उसने आना होगा। सूरह अल मुनाफिकून में भी अगर आप पढ़ेंगे तो यही बात हमें बताई जा रही है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब मौत का वक्त आएगा ना तो काफ़ी सारे लोग उस वक्त जो ना एक जो ख्वाहिश होगी उनके जहन में, उनको होगा कि अल्लाह ताला हमें वापस भेज दें ताकि हम कुछ सदका कर लें, कुछ खैरात कर लें। तो सदका खैरात आज कर लें जब हमारी सांसें चल रही हैं ना, और जब हम हेल्दी बैठे हुए हैं तो जितना कर सकते हैं अब कर लें, क्योंकि उस वक्त ये चीज़ याद आएगी इंसान को। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब वो वक्त आएगा तो ना वो पहले आ सकता है ना वो पीछे हो सकता है। तो कहने का मकसद क्या है इन सबको, कि अल्लाह पे ट्रस्ट करें आप। सही है, मुझे मेरी तकदीर नहीं पता, मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी लिखी हुई है अल्लाह ताला ने, उसमें कौन कौन सी ऑप्शन है, कौन कौन सी वेरिएशन है। मुझे आज की तारीख में ये पता है कि मैं दुआ कर सकता हूँ, मुझे आज की तारीख में ये पता है कि मैं सदका कर सकता हूँ, मुझे आज की तारीख में ये पता है कि मैं क़ता ताल्लुकी से बच सकता हूँ, अगर मेरे वालदैन हैं तो मैं उनकी खिदमत कर सकता हूँ, खिदमत करने की कोशिश कर सकता हूँ, ये काम मेरे पास चॉइस है, तो मैं ये काम अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दूँ और बस रिजल्ट अल्लाह पर छोड़ दूँ, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं पहुँचा देंगे हमें बिस्मिल्लाह। सही, तो उसकी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी उम्र है, कब आएगी डेथ, जिस दिन आनी होगी ना आ जाएगी। जो हमने आयत पढ़ी ना उसमें ये अल्लाह ताला कह रहा है तुम किसी सिक्योर जगह भी होगे ना, और जो मैं आपको नहीं बताता हूँ, जो मेरा अरब दोस्त था वो मुझे यही कह रहा था कि तुम किसी सिक्योर कमरे में भी होगे ना, बड़ा ही कम्फर्टेबल कमरा होगा, वहाँ पर भी आनी होगी तो आ जाएगी। और जो बॉटम लाइन है ना, अल्लाह ताला किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे। आयत 77 यहीं ख़त्म होती है, 78 तो मैंने आपके सामने रखी जिसमें बुरुज मुशय्यद थे उनके वर्ड्स हैं, 77 में अल्लाह ताला कह रहे हैं वला तुज़लमून फतीला, और फतीला क्या कहते हैं, फतीला जो खजूर की गुठली के ऊपर जो बाल होते हैं ना उसके थोड़े से, जो हमें नज़र भी नहीं आते, बड़े मिनिस्क्यूल से होते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं इतना सा भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं होगा। तो ये सूरह निसा की आयतें हैं, इनका एक कॉन्टेक्स्ट है, ये मुनाफिकों को एड्रेस की जा रही है क्योंकि उनके जहन में इस किस्म के खन्नास थे, और मसला यही होता है ना कि जब ईमान फ्लक्चुएट कर रहा हो और चीज़ें सही ना हो जहन और दिल के अंदर तो इंसान एक्सट्रीम पोजीशंस पे चला जाता है, और यही कुरान का बेसिकली मुद्दा है कि इंसान की पर्सनालिटी को वो बैलेंस्ड ग्राउंड पे ले आया जाए। तभी मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि कोशिश करें यार कुरान समझ के पढ़ने की, क्योंकि इट्स सच एन अमेजिंग थिंग, जो कि आप किसी भी मूड में होंगे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर ये पूरा पोटेंशियल है कि आप अपने दिन का आगाज करें और ये दुनिया आपका बैलेंस बिगाड़ के रख देगी बाय द मिड ऑफ द डे राइड, मे बी टूवर्ड्स एंड ऑफ द डे, और सिर्फ कुरान पढ़ने से आपको लगेगा कि सारी चीज़ें रिकनसाइल होने लग रही हैं, हर चीज़ अपनी जगह पे वापस आ रही है। तो मुझे तो अब कुरान पढ़ने की और ज़्यादा ज़रूरत है। बस समझ के पढ़ने वाले हो जाएं, कॉन्टेक्स्ट के साथ समझें, देखें उसमें क्या बात हो रही है, और उसमें इतनी सारी रिसोर्सेज हैं यार आजकल के दौर में, तो अगर आज के दौर में भी कोई बंदा इससे फ़ायदा नहीं उठा रहा ना तो आई डोंट नो कब उठाएगा। पिछले दौर में हम पढ़ते थे लोगों के, लोग ट्रैवल करके एक जगह से, मतलब कितने मीलों का सफ़र, और उस वक्त भी कोई जहाज़ एरोप्लेन वगैरह तो होते नहीं थे ना गाड़ियाँ होती थी, लोग ट्रैवल करते थे लिटरली कोई एक हदीस की शरह समझने के लिए, कोई एक कुरान की आयत की शरह समझने के लिए ट्रैवल करते थे। बट हमारे पास तो अब कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है, तो सोचें इस बारे में, गौर करें और बस अपना अमल अच्छा रखें, कोशिश करते जाएं, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाएंगे बिस्मिल्लाह, प्रोवाइडेड कि हम सब कोशिश करें। ठीक है, चलें ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम।